दोस्तों नमस्कार, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका मेरे एक और वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हरिद्वार में आयोजित कुंभ मेला 2021 में महाशिवरात्रि के मौके पर पहले शाही स्नान के बारे में और जानेंगे भारत सरकार के द्वारा किन किन नियमों का अनुसरण किया गया है ताकि कुंभ मेले में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े श्रद्धालुओं को। और जैसा कि कोविड का दौर चल रहा है और इसको देखते हुए कोविड के विस्तार पर भी रोक लगाया गया है, चलिए बिना देरी गवाए हुए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सामने लगे हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की मेरी हर वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके सबसे पहले। तो चलिए अब बिना देरी गवाए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के मौके पर 11 मार्च को कुंभ में शाही स्नान होगा। ऐसे में अगर आप हरिद्वार कुंभ मेला 2021 में स्नान करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। दरअसल उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि मेला परिसर में अगर कोई भी व्यक्ति कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए SOP का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं श्रद्धालुओं को मेले में आने के पहले अपनी RT-PCR रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। ये रिपोर्ट 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसी रिपोर्ट के आधार पर श्रद्धालुओं को मेला परिसर में जाने के लिए ई-पास जारी किया जाएगा। स्पाइस हेल्थ ने कुंभ मेले में किए खास इंतजाम। विमानन कंपनी स्पाइस जेट के प्रमोटर्स की ओर से शुरू की गई स्पाइस हेल्थ ने कुंभ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को RT-PCR टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड के बॉर्डर पर 5 जगहों पर खास कैंप लगाए हैं। इन कैंपों में 26 फरवरी 2021 से रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। स्पाइस हेल्थ ने उत्तराखंड सरकार गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड से समझौता किया है जिसके तहत कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को RT-PCR टेस्ट और रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। इस सुविधा के लिए कंपनी ने हरिद्वार के कई जगहों पर मोबाइल लैब भी लगाई है। कोविड-19 के चलते होटलों ने भी किया है खास इंतजाम। कोविड-19 को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई होटल खास ऑफर दे रहे हैं। गंगा किनारे बने कई होटलों ने गंगा में स्नान के लिए प्राइवेट घाट और प्राइवेट आरती का इंतजाम किया है। वहीं इन सुविधाओं के साथ ही गेस्ट को होटल में रुकने वाले ग्राहकों को काढ़ा पीने को दिया जा रहा है। पसंद के मुताबिक काढ़े में कई तरह के फ्लेवर का भी इंतजाम लीजर होटल्स ग्रुप के निदेशक विभास प्रसाद के मुताबिक कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार में सभी कोविड हॉस्पिटल प्रोटोकॉल पर सख्ती से पालन कर रहे हैं। कुंभ के लिए हरिद्वार में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए हर की पौड़ी के करीब स्थित होटल जैसे हवेली हरिगंगा, गंगा लहरी सहित अन्य होटलों में नहाने के लिए प्राइवेट घाट का इंतजाम किया गया है। साथ ही होटलों में सैनिटाइजेशन और खाने पीने को लेकर खास ध्यान रखा जा रहा है। खाने में कई तरह की इम्यूनिटी बढ़ाने वाली डिश भी परोसी जा रही है। कोरोना महामारी के मद्देनजर हरिद्वार में आयोजित होने वाला कुंभ 2021 इस बार सिर्फ 28 दिन का होगा। उत्तराखंड सरकार ने साधु संतों से चर्चा के बाद यह फैसला किया है। कुंभ मेला 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक आयोजित किया जाए। 11 मार्च महाशिवरात्रि को पहले शाही स्नान पर सन्यासियों के साथ और 27 अप्रैल बैसाख पूर्णिमा पर वैरागी अनानियों के 3 अखाड़े कुंभ में स्नान करते हैं। 12 अप्रैल सोमवती अमावस्या और 14 अप्रैल मेष संक्रांति के मुख्य शाही स्नान पर सभी 13 अखाड़ों का हरिद्वार कुंभ में स्नान होगा। तो दोस्तों ये था महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई अपडेट जिसमें हम लोग जान पाए इस वीडियो के माध्यम से किस तरीके से आप मेले में शामिल होकर के महाशिवरात्रि के मौके पर स्नान के भागीदारी बन सकते हैं और पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।